हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, यूं तो ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सर्दियों में बर्फ देखने और गर्मियों में गर्मी से राहत के लिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन कुल्लू की इन हसीन वादियों में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते हों, जिसकी तासीर इस जगह को दुनिया भर में मशहूर करती है। कुल्लू के नागर इलाके में एक पहाड़ी पर ये रोरिच आर्ट गैलरी बनी है। यहाँ एक पेंटर की कुछ बेहतरीन पेंटिंग्स रखे हैं। वो पेंटर थे निकलस, जिनकी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1928 में जब अंग्रेजों से आजादी के लिए देश लड़ रहा था, तो मशहूर रूसी पेंटर निकलस कुल्लू घूमने आए थे और कुल्लू उन्हें इतना पसंद आया कि वो यहीं के होकर रह गए। इस समय हम रशियन पेंटर और थिंकर निकोलस रॉरिक के घर पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि निकोलस रॉरिक जब कुल्लू आए तो उनको ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं रहने का इरादा कर लिया और यहाँ के जो मंडी के राजा होते थे, जिनके अंडर ये सारी प्रॉपर्टी होती थी, उससे जाकर निकोलस रॉरिक मिले और उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा जताई और यहाँ पर जो रशियन आर्ट है उसकी शुरुआत करने की इच्छा जताई। यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको ये प्रॉपर्टी दे दी, जिसके बाद निकोलस रॉरिक सबसे पहले आकर इसी घर में उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया और यहीं पर उन्होंने अलग अलग तरह की पेंटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर बनाना शुरू की। अब रॉरिच आर्ट गैलरी कला का एक बड़ा केंद्र है। देश विदेश से उनकी पेंटिंग्स के मुरीद हर साल यहाँ आते हैं और इसके साथ ही रूबरू होते हैं कि ऐसे कलाकार से जो हिंदुस्तान में एक अनमोल खजाना छोड़ गया, एक धरोहर सौंप गया।